કે અશોક ગલો તો ઓડી જો જેટી કહેવે છે ને વોટ પરથી જો કે મેં નક્ષત્રમાં હું જો મને જેટી કહેતા પિતાજી મને કોઈ રોક નહીં કરી મારા પિતાજી એટલી સી બંધન કરી કે સાસુ સસુરી સેવા ઓર ખાણો બનાવણો હોય ઓર બહેરું સિંગજીર સામને ઊંચો મુંડો કરે નહીં બોલણો હોય મારા આજ છોરા કહી ગયો રોશન દોદમાં બેઠ ગયા કે દેખો જીજીનો વોટ કોઈ દે નહીં દે અને મેં પ્રચાર કરતા હાથો હું સ્લીપો બનાવતા હાથો હું પોસ્ટર ચેપતા લઈ ઘરમાં ભણાવતા અરે જીજી એસે ક્યાં કરતી હો એસે ક્યાં કરતી હો જીજી નામ પડક્યો મને સબ સહયોગ કર્યા ઓર જનતા મને એટલો પ્યાર દેવે મેં કટી ઉપ જઉં તો જીજી આઈ હે જીજી આઈ હે બધું મને નિબ્બેમાં ટિકિટ મળી નિબ્બે બાર તક મેં એમએલએ ઇલેક્શન લડી ધર કે ભાઈ અશોકજી અબ તો મેં દેવીને પ્રાર્થના કરું લાગે જીતે કીધી ઓરતો સૈનિક કી ચીજ મેં ઓરતો સાથે બલાત્કાર વે ઓરતો સાથે કેટલી બદતમીજી હવે ક્યુ વે नमस्कार, तो मैं हूँ आदित्य अपरे सागे और इन वगत मैं उनारे सागे बैठो हूँ जी का लगभग 30 साल सू बहुत बड़ी बात हुए लगभग 30 साल सू वे जोधपुर लोकप्रिय विधायिका है भारतीय जनता पार्टी सू मैं उनासू जाननी चाहूँगा कि वे राजनीति रे माए की कर आया और माने जी जी कहने क्यों बुलाया करे जी जी सबसे पहले तो आप हार्दिक स्वागत है इन शो रे माए मैं आपसू सबसे पहले सवाल वही करनी चाहूँ कि आप नाम हो सूर्यकांता व्यास तो आपने जीजी कत्सु कहने लगा और कौन कहे सबसे पहले आपने जीजी इन वास्ते कहने लगा आगे जमाने में घरों में टूट गया तो ही नहीं नल माते पानी भरता मैं पानी भरती जब मैं मॉनिटरिंग करती मर्जी हो जिन चार भरावती कि नहीं दो भरावती मैं चार भर रही थी यूँ करने करती जब हारा कहता टबर लोग भी जा भी होता मोटा भी होता तो गया अरे जीजी ऐसे क्या करती हो ऐसे क्या करती हो जीजी नाम पड़ गयो वो जब से जीजी पड़ गयो अच्छा। तो मैं मतलब इन तरीके से चल रही हूँ और सुबह मैं जल्दी उठता मैं सॉरी सही लिया मैं और ही भी मॉनिटर वेज हुई वो सब जल्दी उठाती और मंदिर ले जाती पाठ पूजा करता पीपल सींचता तुलसी सींचता पछे भेरेड़ो पानी लावता मैं कहती जाओ भाई इतने लो इतने लो अरे जीजी वे सब जीजी वो एक जीजी नाव पड़ गए उन बाद ने अब बड़ा छोटा सारा जीजी जी कहे नाव कब करे जीजी कहे तो जैसे आप अबार आप बतायो कि मतलब आप उन टाइम से पूजा पाठ करता पीपल हीचता और मैंने मैं वो भी सुनी हूँ कि आप अबार तक गौ सेवा करिया करो तो उन बारे में कुछ बताओ आप तो अट मैं 12 साल रही जब हमारी शादी हुई सन 50 में हमारी शादी हुई है और सन 52 मैं पार्टी में काम कर रही हूँ 14 साल रही 15 में लगो जब मैं काम शुरू करती हूँ अच्छा। सबसे पहली अटे देवराज जी बोरा खड़ा हुआ सबसे पहले जो इलेक्शन हो मैं देवराज जी बोरा खड़ा हुआ वे कह भाई कि उन्हें चार मोहल्ला करवा दो मारे हुसरो जी ने कह મારો ઉસરો જી કહે મેં મારા પિતાજીને પૂછ્યું ભેજું કે નહીં ભેજું એ મારા પિતાજીને પૂછ્યો મારા પિતાજી કહે આપને એતરાજ નહીં મને કેવડા એતરાજ ઓર મારા પતિને એનો બહુ શોખ હો રાજનીતિમાં ભેજણનો એ હાલ RSS રહે એ સંગ્રહ ખાસ હા મગર મને જરૂરી મેં ભેજી પહોંચ મોહલ્લા કરનારી જાળપ મોહલ્લો કલ્લારી ગળી કબૂતરો ચોક દે નતાવ તારી બારી નતાવ તો બારી મારો દોનોડો હોય તો અરે ઇલેક્શન આજર મેં ઇન તરીકે શું કેમ્પિંગ કરી અરી રાતે ગઈ કરી મને થોડો શોખ લાગ્યો તો ઊન ટાઈમ મને તો શોખ લાગ્યો પછી શોખ લાગતો લાગતો આગે બઢતો ગયો બઢતો બઢતો મેં મને 70માં મ્યુનિસિપાલિટી મેમ્બર બના દી જર મેં એક વોટ જીતી ઊન ટાઈમ કોપ્શન કરતા उन बाद रवान 80 रवान मैंने चुनाव लड़ायो उन टाइम मैं सामने री जमानत जब्त करी मारे सामने BD पुरोहित खड़ा हावे असिस्टेंट रजिस्ट्रार रहा यूनिवर्सिटी रहा
वो क्वालिफिकेशन और हमारी क्वालिफिकेशन कटे, मगर जनता क्वालिफिकेशन नहीं देखी, जनता का मन कॉलेज नहीं खोलती है, मन सड़कों साफ करावनी है, सड़कों बनावनी है, लट्टू लगवाना है, तो इन तरीके से करने में आगे बढ़ती गई बढ़ती गई। उन बाद मन राम राजी व्यासा स्वर्गीय वे मैंने बहुत सपोर्ट करी, वे बहुत संग रहा और बहुत करबटा, वे तो संग में क्या देवता जी हूँ, तो वे मन बहुत आगे लगने करी। उन बाद मोने हरिशंकर जी बाबड़ा ने राजमाता साहब कहो कि मने एक कोई अड़ी लेडी दो जिकी महिलाओं ने जोड़ सके, और महिलाओं आपे व महिलाओं की अध्यक्ष राजमाता साहब विजय राजे सिंधिया जरवे के मारो नाव दियो। मैंने 10 साल तक महिला मोर्चा की अध्यक्ष राखी प्रदेश री, मैं गाँव गाँव डोणी डोणी घूम महिलाओं ने जोड़ी, अटे शहर में भी जोड़ी, सब जगह मतलब फिरती मैं, और तो राजमाता मार वास्ते रिकमेंड करियो कि इन्हें टिकट दियो MLA। वह मार वास्ते 85 में मांग गयो, 85 मारो कट गयो, मैंने 90 में टिकट मिली, 90 बार तक मैं MLA इलेक्शन लड़ रही जीती हूँ, 1 हारी 6 जीती हूँ 7 बार। अब 8 बार है पार्टी पर टिकट दिला, मैं जरूर लड़ूंगा और मैं लड़ने की स्थिति में हूँ। मैं अबार भी रोज री 4-5 घंटा घूमना हूँ हमारे क्षेत्र में, कभी कभी मोहल्ले में जाऊँ, कभी कोई मोहल्ले में जाऊँ, कभी कोई मोहल्ले में जाऊँ। मैंने सफाई वगैरह बहुत पसंद है, लाइट वाला लगनी चाहिए, उत्तर में आवे तो उत्तर वाली ने कर दूँ और दक्षिण वाला वे तो CO ने भी जी मैं बात करूँ, क्योंकि तो मारो तुरंत काम कर दे, मारा काम कोई रुक के कौन। उत्तर में तो कांग्रेस ही है कुंती जी, मगर वह मारो कोई काम रुकी को टेलीफोन क्यों काम करियो, मन कोई कटे जाऊँ नहीं बीजी जरूरत नहीं। तो इन तरीके में तो अपना ध्यान वाला तो अटे मलबो खूब पड़ियो हो 6 महीनों से कोई उठायो नहीं, तो उन वास्ते भी मैं धरना दियो, मैं हर काम में आगे रहूँ मारी तरफ से, मैं वो मारी यहाँ राजनीति है, मैं राजनीति इन तरीकों करी आगे बढ़ती रही, मगर मारे पति देव ने मैंने बहुत सहयोग हो, हासू ससुर पे बच्चों रोना उड़ गयो, लड़कियों की शादी हुई तो जवाया रो बेटियों रोना उड़ गयो, यूँ करने मतलब परिवार मारो बढ़ते ही गयो। मैंने सब सहयोग कर और जनता मैंने इतना प्यार दे, मैं कटी ऊब जाऊँ तो जी जी आई है बहुत खुश हुए। तो मैं तो इन तरीके करूँ, आज भी मैं खाना भी बना सकूँ, पर अबार मार कर एक सहयोगी चीज है, सही बात है, बाकी मैं सारा काम करूँ। अबार मैं किचन भी जी संभालती रहूँ, कई सामान है नहीं है खोलोना अलग, मारी बहू सब काम संभाल ले, फिर भी मैं देखती रह करूँ कि कहीं है कहीं नहीं है, मारा बेटा बहू सब संभाल है, फिर भी मैं देखती रहूँ, मारी आदत है। तो जी मैं आप सो जानने चाहूँ कि आप बताया कि 12 साल की उम्र में आपकी शादी हुई गई, पचे आप लगभग 15 साल रहा हो या जदे आप राजनीति में आई गया, लेकिन पहली जो जमाना अलग हो क्योंकि पहली वो भी हो गए घर गृहस्थी भी संभालनी है, तो दो ही हाथ है की कर मैनेज होता कि घर गृहस्थी भी है पचे राजनीति भी, और राजनीति में भी आप पूरा जोश और उत्साह से आगे भाग लेता, तो वो की कर मैनेज हो तो मैनेज इन तरीके से होता हूँ। मैं सुबह 4 बजते ही उठूँ, मैं आ नहीं है, हमारा पिताजी आके ही, माँ बाप मारा, हमारा माता जी पिताजी आके ही, भाई कोई बात नहीं, तारे पति देव थे ने आज़ाद कर दिए, वे यूँ बोलते बड़ा नाराज होता, वे पुराने ख्याल आता है नॉन पसंद नहीं हो। दूसरो परिवार मारो करीब करीब 90% बाबा कांग्रेसिया उन जमाने मान जनसंघो उन टाइम जनसंघो, तो अब कोई करे की कर, जब मैं सुबह मारी आदत है मैं सुबह 4 बजे उठ सारो काम कर मंदिर दर्शन बजा कर और खाना बना सब्जी बना अंदर बच्चों ने टिफिन दे दी स्कूल रवाना कर देती, बस फ्री 6 बजते ही मैं क्षेत्र में निकल जाती, हाड़ी हाथ 8-5 आती 1.5-2 घंटों वो इन तरीके से राजनीति करियो, जल्दी उठती सासू ससुर भी काम कर देती कि अच्छा मारे गायों हैं तो मैं गायों ने घास तो आंकड़ा गायों रहा पोटा ऊपर ले जान था अपना पोटा मैं खुद तापिया हूँ, मैं खुद तापती गायों ने घास तो आंकड़ा गायों रो भोटो बनाऊना है सब मैं करता, मर कोई नौकर नहीं हो,
ए कौम करने भी राजनीति करी हो ने बारे जाता इन तरीके से राजनीति करी और राजनीति से सत्य सही बात आए कभी कही एक जनसंघ बहुत थोड़ा होता पर फिर भी मैं तो मारो काम करवा लेती नगर परिषद हो नगर पालिका ही तो चेयरमैन कनू मैं तो मारो काम की करी करा देती मैंने कोई मना करतो कौन तो मैं यूं करती करती आगे बढ़ती गई। जी जी लगभग आपने 30 साल हो गया इन पद माते और मैं और जाननी चाहूँ कि इन 30 साल में राजनीति की कितनी बदल गई है क्योंकि अभी तो प्रचार प्रसार करना और नित नवा तरीका आवन लग गया है लेकिन उन टाइम इतना तरीका नहीं हाँ कि आप सोशल मीडिया माते प्रचार कर दो या टीवी माते ऐड दे दो न्यूज़पेपर में दे दो तो उन टाइम भी जीतनो बहुत बड़ी बात हुई थी तो आ कितनी बदल गई राजनीति और प्रचार प्रसार की करूँ था उन टाइम मैं प्रचार प्रसार इन तरीके से करता है जैसे राम रास्ता व्यासा शंकर राजी लोडा शारदा शरण सिंह जी आए सब मतलब दो तीन नाव बताया हूँ यार सबरी टीवी वह उन्हें कौम बड़ा होती कि 15 घर थोने करना है इन गली में जाओ 15 घर का लिस्ट बना लाओ कितनी घर में कितना वोट है कितना वोट है मैं जाओ तो सा मोरी टीम ही मैं मोरी लड़की और मोरी सहेलियों बनाई मोरी टीम करनी मैं सब यूँ प्रचार यूँ करी है घर घर जाजा ने प्रचार करी है आजकल तो मैं बात तो वारी वही जाए क्या पन्ना प्रमुख और पन्ना प्रमुख है पन्ना प्रमुख तो योग मैं यूँ करता थे यूँ करो बात तो वारी वही है मन मैं प्रचार करता हाथों स्लिप बनावता हाथों पोस्टर चेपता ले ही घर में बनावता मैं इन तरीके से राजनीति करी अब मोने वो यूँ वेजर बोर्ड करी मनता हो झुंझो लगे मैं पुराने कहलाती हूँ बिल्कुल मैंने बहुत पसंद नहीं हूँ फिर भी अब जमाने अनुसार चालना पड़े बाकी मारो पहली कट है कोई मीडिया पीडिया की कोनिया कौन न्यूज़ देवे बाकी कोई अखबार भी है हा कौन अब तो नहीं रही है मीडिया जान जा करे कि मैं आ जा करे कि मैं आ जाओ नहीं मैं इन तरीके में राजनीति करी घर घर गया हूँ एक एक वोट गिर जाऊँ कौन बारे गए कौन हटे सब ध्यान रख मैं खुद खड़ी हुई हूँ नहीं अस्सी रुपये हमने आपने बताया मारे का आई वाला लुगियो मैंने वोट दे उन्हें 100 और तो एक जना एक वोट मारो नहीं हो मारा आज छोरा कही गिरी हो रोशन दौन में बैठ गया कि देखो जी जी ने वोट कोई दे नहीं दे तो इन तरीके मुझे कलेक्टर मन फोन करियो कलेक्टर साहब के आप जाओ रे भीड़ बहुत लगी है वोट देऊँ दे कोनी वो एक वोट दे को छोरा कि तू नेहरू पार्क में रहे और नौ नौ जाड़ा पते लिखो रहे नेहरू पार्क में नौ जाड़ा पते मार होमली पार्टी वालों निका दियो मैं कह भाई इन लिस्ट में नॉवेज को तो वोट दे के या तो देवना पड़ी जरूर हम समझू वो एक वोट दी रहे एक वोट कांग्रेस ने पड़ी 100 वोट मैंने पड़ी एक ही हाथे पेटी में निकले अच्छा। तो मैं तो जनता प्यार देवे सहयोग देवे कितनी मोटी बात है कि जनता बहुत भारी खुश है अब कि नहीं कोई पर्सनल कोई बात में तो बात अलग है बाकी 90% जनता मारो बड़ी खुश है। जी जी आपरे जी का पिताजी आ फतेहराज जी कल वे थानेदार साहब आ तो आप कीकर मानस बनियो के जानो राजनीति में वे सरकारी अफसर है तो मैं खुद एक सरकार बनूला वे पता नहीं मानो मैं सास रहेंगे मारे सास रहे तरफ से मैं गई हूँ पियर पियर सब कांग्रेस अच्छा। क्यों सब नौकरियों करता सब और पलटियों चेजती जो है तो सुबह जाता पलटी कराने नहीं आता यार हैंग और कही हो मारे पिताजी पे सर्कलिंग सेक्रेटरी बन गया तो भी उन्होंने कोई तकलीफ मारूंगा नहीं तकलीफ मारी मैं अलग वो भी अलग है मारे पति देव चाहता जो मैं करती इन वास्ते मारे कोई मारे पिताजी पे उन्होंने कोई रोक नहीं करी मारे पिताजी इतनी सी बंधन करी कि सासू ससुर सेवा और खाना बनाना है और नहीं कौम मत छोड़ दे कौम छोड़िए तो ठीक नहीं है जैसे मैं निबे में MLA बनी तो मारे पिताजी मन कहो माथो ढक्योड़ो राखना है अगर विधानसभा में माथो खुलो दे के तो आप घरे का माई छो मतलब इत तो कंट्रोल हो और भैरव सिंह जी सामने ऊंचो मुंडो करना नहीं बोलना है बड़े नीचे बात करने बोलना अरे यूँ मारे पिताजी ने अशोक जी गहलोत रो बड़ो भाव है मारे पिताजी तो अशोक गहलोत ने देख ले तो जरनियाल हो जाता अब जो आप कहीं करो मोर तो अलग हो साहब जसवंत सिंह जसोल MP में खड़ा हुआ अशोक जी भी हमने खड़ा हुआ तो हमारे पिताजी मारे खिलाफ़ बोलता
और मोटा मोटा आदमियों ने पोस्ट कार्ड नहीं किया, कोई 100 कहे अशोक गहलोत वोट दीजो, जेठी कहे जी ने वोट मत दीजो, क्यों मैं नक्षत्र में मुझे मन जेठी कहता कहेगा कहे जी ने वोट मत दीजो, हैंगा हैंगो ने मोर रिश्तेदारों ने बीजा सबों ने एक जगन्नाथ जी कलेक्टर है जी को पाछो जवाब दियो कि सब मोर तो लट्टू तो है लगाओ मैं तो है कही जी ने वोट दे साहब जना कहो नहीं साहब कह वो जू करो आप कह वो जू करो तो मारो पियर पक्ष लगो मैं वो तो मना अभी मैं टिकट मिलियो नहीं जर मारा पिताजी एकदम झुकिया जर क्या भाई अशोक जी अब तो मैं देवी ने प्रार्थना करूँ लगा जीते तो ये तो इन टाइप रहा बड़ा। तो जीजी मैं आपसू अभी एक राजनीति से जुड़े और सवाल करूँ कि इन अपन जो मुख्यमंत्री जी जो गृहनगर है इंद्र मायने भी अब जिका आपराधिक घटनाओं जी की है वह ज़्यादा बढ़न लागी। लोगों का कहना वो है कि यूपी में तो घटनाओं कम वेरी है लेकिन अब राजस्थान रे माए ऐडी घटनाओं बढ़न लागी। जैसे जे एन वी री बात करूँ उठे रेप कांड वही गयो, अगर मैं और बात करूँ चैन स्नैचिंग री बात करूँ भीलवाड़ा री बात करूँ तो भीलवाड़ा में भी ऐडो हो एक बार थोड़ा दिन पहले एक आयो कि भाई शर्मसार करने वाली स्थिति ही और दूजा जी का अटे भी है थोड़ा दिन पहले अशोक उद्यान कने भी एडो हादसे हुए। तो उनरे बारे में एक जी की सूट सागरी विधायक है जोधपुरी लोकप्रिय विधायक है वाणी तरफ से कई कहना है मारो कहना है कि कानून नौवरी चीज नहीं है इनमोने अशोक जी ला रहे क्योंकि कानून नौवरी चीज नहीं है जीते कौम नहीं है कानून सख्त होना चाहिए। एक दो जनों ने पकड़ते बैठो तो ठा पड़े जो वो तो वह नहीं थे टेलीफोन कर दियो मैं टेलीफोन कर दियो छोड़ दे इन तरीके उन्हें और ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल नहीं तो लोग मरे भी बहुत है चैन की चीज़ भी बहुत हो रही है कि व्यवस्था कानून री तो आप समझ लो पुलिस है ही नहीं आ हालत है और पै वो जमान देख क्यों रही हूँ मैं तो वो जमान देख मन अजब सो लगे मैं खुश नहीं हूँ इन्हों कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है मैं ही नहीं करूँ कितनी रेप है कितनी औरतों चैनिक की चीज़ वे औरतों साथ बलात्कार वे औरतों साथ कितनी बदतमीजी हुए क्यों वह इसमें क्या मन तो मालूम को मैं तो हम जी को नहीं अठे कमला नेहरू कॉलेज का निरा छोरा हुआ जी जी आई करे चार पाँच जड़ा हूँ पीवे नोट और कर नहीं हो मैं कह नोट नहीं कहीं करे मैं कह नए नोट नहीं कहीं करे ऐडा नए नोट कटू लिया अरे जर एक जना कह नहीं नहीं है तो पिए की अब आप हम तो नोट में गालना पिए रोक लगा अड़ी गिस्त देवनी सी जी अड़ी चिंचू जरी पकड़ धकड़ उसे गिस्त दें बहुत करे और कुछ नफरी भी बढ़ावे कुछ उसके पुलिस बहुत कम है नफरी बढ़ावे यार कहने वहीकल बढ़ावे यार ने भी सुविधा अच्छी देवे तो ए भी कॉम अच्छो दौड़ दे करे अब अरे एक जीप में एक जीप वो गई भाई हर थॉट में कम से कम दो जीपो चार एक स्कूटर तो देवे मोटरसाइकिलो देवे स्कूटर नहीं सा मोटरसाइकिलों की व्यवस्था करे हर थोड़ा जी जी लोगारो भी कहना है कि अबे जी का मुख्यमंत्री जी है वे जी की छोरियां है वाने फोन भी दे रही है तो वे कटिन कटे ध्यान भी रख रही है उनरे बारे में आप कही कहना है। अब देखो सा तो मुख्यमंत्री जी की योजना है वे आप फोन देवे बाकी फोन देवना मतलब मैं तो समझू ठीक नहीं है ये फोन ही खराब हो करी है सही पूछो तो फोन आने ही सारो स्थितिया नाश हो जाए हर आदमी अरे दो साल रो बच्चो फोन दे के चार साल रो बच्चो हो मारा पट पोतरी है चार साल रही जी को मारे बत्ती समझे मैं तो अब जो ही हूँ तो खराब हो जाए राजीव जाओ आप अच्छी बातें है अच्छी बातें हर एक की नहीं वास्ते अच्छी नहीं। जैसे लोगा रो भी कहना है कि इन उम्र रे माए भी जी जी आज अगर धरनो देनो हुए उठे धरनो भी देवे जेटे प्रदर्शन करना हुए उठे प्रदर्शन भी करे और जेटे टाइम आते पूगने उठे जी जी टाइम आते भी पूगे वो तो आप पक्ष वाला कहवे लेकिन विपक्ष वाला वो कहवे के जी 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 के है राजनीति करे और जी जी ने पाछो टिकट लेने जीतना है इन वास्ते जी जी आवे दो मिनट बैठे और पाछा जी जी आप घरे जा परा मैं कटे भी वे तो दो मिनट नहीं बैठू मैं जब तक उठ समाधान नहीं वे जब तक उठ बैठी रहूं और समाधान कर दूं आ गलत कह वह यौरकन मारवाड़े में और क्या उन है कहीं कहीं कह वह यौरकन किया ही वो नहीं जर और कह दे मैं रात भर बैठी रही हूँ जाऊर गेट में झगड़ो हुए जर रात भर बैठी रही हूँ मैं बार प्रताप नगर कहने कोई बच्चों मर गई मैं वालों मैं और उन वास्ते भी गई फिर मारी बात छोड़ो
मैं किन्नो ही वो मैं तैयार हूँ मैं जय आ मैं कोई राजनीति नहीं करिया करूँ कि नहीं उन्हें हाउसिंग बोर्ड में उन्होंने गरीब आदमी उन्हें हटाया था मैं उठ भी गई नोटिस देना हटाओ टाइम दे उन्हें यूँ आपकी कर हटा दो मारकूट कर दी मैं जयपुर सीधी उठ पहुंची। तो अजी जी मारो आखिरी सवाल आप सो ही रहे वेला कि इन बार आपने टिकट मिले और तो जीतने वास्ते आप री इन बार कई रणनीति रहे वेला टिकट मिले ले जर बात हो चला पहली की कर कैसे बिल्कुल पार्टी टिकट दे ही जरे दे यूं पार्टी टिकट दे ही अपना जो रणनीति रोज बना वही बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद जी।